नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आज हम खड़े हैं सोयाबीन के खेत में। इस खेत में आप देख रहे हैं कि दूर से तो फसल बड़ी अच्छी दिखती है, हरी हरी पत्तियां दिखाई पड़ती है, मोटी चौड़ी अच्छी पत्ती हो गई है, प्लांट स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम देख रहे हैं नज़दीक जाकर के तो बहुत सारे पत्तों पे पत्ते खाए हुए हैं, किसी कीटक ने इसको नुकसान पहुंचाया है और धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ रहा है। तो मित्रों, आपको पता है कि सोयाबीन पर कई प्रकार की इल्लियाँ आती है जो पत्ते खाती है, और इस समय फसल की अवस्था अगर हम देखेंगे तो फूल आने की शुरुआत होने में अभी फसल आ रही है। इस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, जिससे अपने जो फूल आएंगे उसमें फल धारणा अच्छी होगी और फल का फलियों का विकास भी अच्छा होगा। लेकिन यदि इस समय हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ये जो पत्ते हैं ये पूरे जालीदार बन जाएंगे और ऐसे पत्तों से जो प्रकाश संश्लेषण है वो बहुत कम हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि पत्तियाँ पीली पड़ दिख रही है थोड़ी, क्योंकि इसका प्रकाश संश्लेषण कम होने से इसमें जो अन्न की उपलब्धि है वो भी कम हो जाती है। तो मित्रों, इसके लिए हमने अभी इस समय हम सिर्फ कोई कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या प्रोफिनोफॉस है या फॉलिडॉल डस्ट है, इस तरह का करें। लेकिन मैं सुझाव ये दूंगा कि इस समय डस्ट का प्रयोग करने से, बरसात का मौसम है और कभी भी बारिश धीरे धीरे होती है, तो इसमें आप लिक्विड स्प्रे या किसी ऐसे कीटकनाशक का प्रयोग करें जो द्रव रूप हो, और इसका प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल आगे के लिए यह बचेगी। दूसरा, किसान भाइयों ये भी करना है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ट्रैप्स नहीं लगाए, तो इसमें स्पोडोप्टेरा के, हेलियोथिस के और अन्य जो कुछ कीटक इसमें आते हैं उसके अभी फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है, फनेल ट्रैप्स, इसको आप लगा सकते हैं। ये लगाएंगे तो हमें शुरू में पता लग जाता है कि यहाँ पे कीट आने की अभी शुरुआत हो रही है या होने वाली है, और यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फसल को नुकसान होने से पहले ही इसके ऊपर कुछ कीटकनाशक का स्प्रे करके हमारे फसल को आगे बचा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा मैंने ये भी बताया कि इस समय फल धारणा जब होती है तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, खास करके जिंक, आयरन और बोरॉन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये ऑयल सीड में आता है और पल्स क्रॉप आता है, मतलब सोयाबीन से हम तेल भी निकालते हैं और सोयाबीन का प्रयोग दाल के रूप में भी होता है, तो इसलिए इसको गंधक की भी ज़रूरत होती है और मॉलिब्डेनम की भी ज़रूरत होती है। तो गंधक का भी आप स्प्रे इस समय कर सकते हैं। ये तो शुरू में हमको गंधक देना चाहिए प्रति एकड़ 6 किलो के दर से, माइक्रोनाइज जो ग्रैनुलर गंधक होता है 90% एलिमेंटल सल्फर जिसको कहते हैं, यदि वो आपने नहीं दिया है तो इस समय आप गंधक का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थायोसल्फ नामक जो गंधक है 80% पानी में घुलनशील, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से इसके ऊपर आने वाले जो माइट्स है उसका भी प्रतिबंध हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, खास करके चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें बोरॉन के साथ साथ जिंक और मॉलिब्डेनम है, इनका प्रयोग आप ज़रूर करें, जिससे आपकी जो अभी फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद में इसमें अच्छा फल धारणा होने की संभावना है। तो मित्रों, आज ये हर एक किसान की समस्या हो सकती है, इसलिए ज़्यादा नुकसान होने की राह न देखें, तुरंत आप इसके लिए कार्यवाही करें, कीटनाशक का स्प्रे करें और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करें। धन्यवाद। यदि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर ये आपके प्लॉट रजिस्टर करना चाहें तो आप ज़रूर ग्रेप मास्टर ऐप में इसको रजिस्टर करें, और सोयाबीन फसल के लिए तथा अन्य फसलों के लिए जो क्रॉप शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे शेड्यूल्स होते हैं, जिससे आपकी फसल का शुरू से अंत तक क्या क्या करना चाहिए इसकी जानकारी इसमें मिलेगी, उसमें अपना प्लॉट ज़रूर रजिस्टर करें और ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियोस और आने वाली समस्या के बारे में आपको जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी और अच्छे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए यह भी आपको हम बताते रहते हैं। तो ज़रूर आप इसको फॉलो कीजिए।